अरे एक बात बताइए कि अगर इस एग्जामिनेशन को निकालना है तो आप कौन कौन सी बुक्स को कहेंगे कि इसे पढ़ना चाहिए? इतना कर लीजिए, 2-2.5 महीने में इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो एसआई 1275 पोस्ट के लिए स्टार्ट होने वाला था, जो कोर्स होमवर्क सीरीज वो आज से स्टार्ट हो रहा है। हमने समय से पहले डाल दिया है क्योंकि रात में 9 बजे इसका टाइमिंग होगा, डेली मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार रात में 9 बजे आपका एक होमवर्क सीरीज, यानी 24 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना याद करना है, कौन सा रिवाइज करना होगा, कौन सा समझ कर पढ़ना होगा, मैथ रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर बना लेने से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारा एक रूटीन 24 घंटे का जो होमवर्क सीरीज कहलाता है, ये रात में 9 बजे यूट्यूब पे भी आ जाएगा और टेलीग्राम पे भी रहिए, जीएस मास्टर का सब स्मॉल लेटर में, सब एक साथ जीएस मास्टर ये लोगो है, वहां पे भी रहिए, वहां पर भी आएगा, तो डेली एक रूटीन आ रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर इस एग्जामिनेशन को निकालना है तो आप कौन कौन सी बुक्स को कहेंगे कि इसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि छात्रों के पास अलग अलग बुक्स है, लेकिन मिनिमम कौन सा बुक होना चाहिए कि इतना कर लिया जाए तो रिजल्ट आ जाए। और हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें से जो बुक्स हम आप चला रहे हैं होमवर्क सीरीज में, इतना कर लीजिए, 2-2.5 महीने में इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। जैसे जीके के अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा सामान्य अध्ययन के काम जीके टाइप के जनरल नॉलेज के अधिकतर प्रश्न आते हैं, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? आप कहेंगे लूसेंट, क्रॉन या घटना चक्र या कुछ और भी, टॉप स्पीड या इस तरह के बुक्स है ना, तो उसमें से एक हमने बुक उठा लिया, लूसेंट सारे स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रिय है तो लूसेंट चलेगा। बीपीएससी में हम क्रॉन चलाते हैं, लेकिन इस तरह के एग्जामिनेशन में जो एसआई या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा होती है उसमें हम लूसेंट चलाते हैं, तो लूसेंट हमने ले लिया। अच्छा, लूसेंट में सारा प्रश्न मिल जाएगा? इसकी भी संभावना नहीं है कि सारे प्रश्न मिल जाए, तो इसके कंसोलिडेशन में पूरक के रूप में हमने एनसीईआरटी सार, ये कॉस्मोस वाली आप देख लीजिए, एनसीईआरटी सार, कुछ लोगों के पास सार संकलन होगा, दोनों चलेगा, लेकिन पेज नंबर हम एनसीईआरटी सार संग्रह से देंगे। बुक्स का सारा लिस्ट हमने लास्ट में डाल दिया है, जो सार संग्रह है कॉस्मोस वाली वो हम चलाएंगे। तो एक सप्लीमेंट्री जिसमें वन लाइनर फैक्ट्स बहुत है और इसका विविध सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन भी बहुत शानदार है, इसलिए हमने पूरक के रूप में, लूसेंट के पूरक के रूप में ये एनसीईआरटी सार रखा है, कमाल का हो जाएगा, साथ में इसे आप कर लेते हैं। अब आइए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में अच्छे खासे प्रश्न 15-20 या उससे भी अधिक प्रश्न हो सकते हैं, तब तो अच्छे से बनाना होगा। तो एसपीडी, अब देखिए बीपीएससी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एसपीडी से नहीं आया या एडवेडियस नहीं आया, बीपीएससी का अलग पैटर्न है, इसका अलग पैटर्न होगा, हम लोग ध्यान रखेंगे कि फिर भी अधिकतर प्रश्न बन जाए। तो वार्षिकी ईयरली मैगजीन एक रखना होगा, एक और हम चलाएंगे वो हम बाद में बोलेंगे, वो आप ले लीजिएगा, अभी एसपीडी का, अभी इस महीने का अक्टूबर का आ गया है, ये ले लीजिएगा, हम इसके पेजेस देंगे करंट अफेयर्स के लिए। अब आइए मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए यूनिवर्सली क्लेम्ड है, सारे स्टूडेंट्स एक बुक का नाम लेते हैं और वो है आर एस अग्रवाल। तो आर एस अग्रवाल में संभव हो, हम ज्यादा टफ नहीं करेंगे, हार्ड नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग मैथ में बहुत कमजोर होंगे, तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि आपकी उस कमजोरी या कमी के कारण या इंटरेस्ट नहीं होने के कारण फिर भी कितना आप बना ले, तो उसके कुछ पेजेस सॉल्यूशन के साथ हम देंगे, उसे बनाइएगा। तो इसमें आर एस अग्रवाल चलेगा, एस चंद की, आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स की, अंक गणित। एक रीजनिंग लेना होगा, ये रीजनिंग कौन सा हो, रीजनिंग में भी बहुत सारी बुक्स है, कोई एक बुक आप खोजिएगा तो रीजनिंग में दिक्कत आती है, इसके लिए हमने अरिहंत की आर के झा वाली बुक चलाई है, लास्ट में बुक्स का डिटेल्स है, फिर से हम कह रहे हैं बुक्स का डिटेल्स लास्ट में होगा, इस थंबनेल में आप देख सकते हैं इसमें भी बुक्स का पूरा डिटेल है। तो आर के झा वाली हम रीजनिंग वाली चलाएंगे, ये अभी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होगा उसमें भी काम आएगा, फिर से हम कह दें अभी जो इंटर लेवल का आया है वैकेंसी बीएसएससी का उसमें भी ये सारा काम आएगा, तो आप बनाइए पढ़िए, ये केवल दरोगा के लिए नहीं, ये इंटर स्तरीय के लिए, टीचर के लिए, सब में काम आएगा, तो इसे अच्छे से कीजिए। अब मैथ और रीजनिंग भी हो गया, एक बच गया, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर टफ क्वेश्चन आता है, डेप्थ वाला क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल आता है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सार नहीं या एनसीईआरटी नोट्स नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी, ओरिजिनल, चूंकि डायरेक्ट इससे जो प्रश्न आते हैं उसे आप बनाना होगा, इसके लिए ओरिजिनल। तो कौन सा, 9th, 10th, 11th, 12th का हम चलाएंगे, पीछे का छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ज्यादा समझाया गया, उसमें फैक्ट्स कम है, इसलिए हमने हायर क्लासेस का रखा है। तो 9th, 10th, 11th, 12th का हम चलाएंगे, हिस्ट्री नहीं चलाएंगे, पॉलिटी चलाएंगे, ज्योग्राफी चलाएंगे, साइंस चलाएंगे, बुक्स का डिटेल्स हम दे चुके हैं, फिर से लास्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी 9th, 10th, 11th एंड 12th का चलेगा,
हाँ याद रखिएगा, बीपीएससी के बारे में भी हमारा एपिसोड आ रहा है, उसमें हम छठी से बारहवीं चलाएंगे एनसीईआरटी ओरिजिनल, लेकिन दरोगा में नौवीं से बारहवीं तक का चलाएंगे और हिस्ट्री नहीं चलाएंगे। तो ये हो गया, इसके भी हम पेजेस दे रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक्स दिया है ये टेलीग्राम पर भी है ना, इसमें हमने एनसीईआरटी का भी डाला, तो एनसीईआरटी भी हो गया। कितना पढ़िएगा आप बताइए, करंट हो गया, एनसीईआरटी ओरिजिनल हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, लूसेंट हो गया, लूसेंट का पूरक हो गया, एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस वाली, तो ये तो सारा हो गया। इतना आप कर लीजिएगा, कहां संभावनाएं बनती है कि क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन इसे बहुत अच्छे से कीजिए। पहला एपिसोड थोड़ा लंबा होता है, इसमें समझाना बहुत पड़ता है, इसलिए पहला एपिसोड थोड़ा लंबा होगा, सुन लीजिए, बाद में छोटे छोटे एपिसोड आएंगे। चलिए अब टॉपिक्स पे आते हैं। जो हमने जो लूसेंट का टॉपिक्स लिया है वो पहला पांच टॉपिक्स लिया है, यानी हिस्ट्री में मॉडर्न और एंशियंट चलाएंगे, ज्योग्राफी का एक टॉपिक चलाएंगे इंडियन ज्योग्राफी का, और साथ ही फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स हो जाएगा तो फिजिक्स अभी हमने रोका है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चलाएंगे। तो लूसेंट का पांच टॉपिक चलेगा, फिर से सुन लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पांच टॉपिक्स आपका रेगुलर अभी आएगा लूसेंट से। अब इसका पूरा कॉस्मोस से देखने में ये टॉपिक काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो सार संग्रह का टॉपिक है वो लूसेंट का ही टॉपिक है। जो हम लूसेंट का टॉपिक देंगे वही सार संग्रह में भी देंगे, ताकि उसमें जो छूटा हुआ है वो यहां आपको मिल जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, सार संग्रह का टॉपिक लूसेंट का ही टॉपिक होगा, पूरक के रूप में होगा। हाँ, यहां पर टॉपिक्स की संख्या छह है, पहला टॉपिक और छह नंबर टॉपिक्स सार संग्रह का हमने चेंज किया, यानी पॉलिटी से होगा टॉपिक और छह नंबर टॉपिक विविध सेक्शन से, बीच में लूसेंट का ही टॉपिक। तो चलिए, लूसेंट का जो पहला टॉपिक हमने लिया, हम सदैव लेते हैं, आप स्टार्ट लेंगे लूसेंट का पहला टॉपिक, आधुनिक भारतीय इतिहास में मुगलों का पतन होता है, तो मुगलों का पतन डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ लीजिए। इसमें जो लगभग 11 शासक है, छोटे बड़े 9 से 11 शासक, तो बहुत ही छोटे शासक है, इन्हीं को आपको पढ़ना है, यानी बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल्स है। तो मुगलों का पतन पढ़ना है, कैसे मुगलों का पतन हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो 1707 में हुआ, तो 1707 से लेकर 1858 के बीच जिन्हें परवर्ती मुगल या उत्तरकालीन मुगल कहते हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया एंशियंट हिस्ट्री से, और यह है स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब देखिए, कहां से विदेशी आए, कहां से उत्खननीय साक्ष्य मिले, धार्मिक साहित्य क्या बता रहे थे, ये स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानना चाहिए, और इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। आज हमने दो पार्ट में बांट दिया है, आपको धार्मिक साहित्य पढ़ना है, यानी वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विदेशी कैसे आए, कौन कौन आए, और उत्खननीय साक्ष्य अगले टॉपिक में हम देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। उसके बाद आइए इंडियन ज्योग्राफी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक होता है भारत का सामान्य परिचय। यहां पर लूसेंट में जो हेडिंग है वो है सामान्य जानकारी, पहला टॉपिक सामान्य जानकारी लूसेंट का, यानी हमारा देश कहां से कहां तक अवस्थित है, तो अक्षांश, देशांतर, तटीय रेखा, कौन कौन से विदेशी राज्य है, किसके साथ कितनी लंबी सीमा लगती है, किन किन राज्यों की किससे सीमाएं लगती हैं, तो ये सब कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आप करेंगे। भारत की सामान्य जानकारी बहुत फर्टाइल टॉपिक, एक क्वेश्चन यहां से भी काफी संभावना है। उसके बाद आइए साइंस के दो टॉपिक, भौतिकी हमने नहीं लिया है, रसायन और जीव विज्ञान लिया। रसायन का पहला टॉपिक होता है लूसेंट में, आप जाएंगे तो पदार्थ की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मैटर, यानी जो कुछ भी ब्रह्मांड में है सब कुछ या तो ठोस है या द्रव है या गैस है या प्लाज्मा भी है, लेकिन यहां पर आप ठोस, द्रव और गैस पढ़ेंगे, और मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण का पृथक्करण पढ़ेंगे, तो यहां पर पदार्थ की प्रकृति। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, ब्रांचेस पढ़ना है, इसे आपको पढ़ना है बायोलॉजी में पहला टॉपिक, आप जाइए पेजेस पर, डायरेक्ट सारे टॉपिक्स को पढ़कर समाप्त कीजिए। अब आइए सार संग्रह, सार संग्रह में छह टॉपिक्स है, इसमें चार टॉपिक्स तो लूसेंट का ही है, एक टॉपिक जो पहला टॉपिक है सार संग्रह का वो पॉलिटी का हमने ऐड किया, यहां पर पॉलिटी हमने ऐड किया, इसमें पहला टॉपिक ही होता है भारत का संवैधानिक विकास, यानी ब्रिटिश काल के कानून, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, स्वतंत्रता तक के जितने भी अधिनियम आए, एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, इसी को आपको पढ़ना है, संवैधानिक स्थिति। तो पहला राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, और जो 2, 3, 4, 5 नंबर टॉपिक्स है ये सारा लूसेंट का ही टॉपिक है, लेकिन यहां पर आपको पढ़ना चाहिए, पूरक हो जाएगा। छह नंबर टॉपिक एक विविध सेक्शन है, मिसलेनियस है, इसे हमने इसे जोड़ा है, इसमें पुरस्कार हमने रखा, तो राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत रत्न, इसे पढ़ लीजिए, पहला भारत रत्न किसे दिया गया, किस विदेशी को दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार में कब शुरुआत हुई, क्या क्या दिया जाता, ये पढ़ लीजिए, तो ये आपका सार संग्रह से हो जाएगा। अब आइए एनसीईआरटी ओरिजिनल, ओरिजिनल एनसीईआरटी जिसमें हम तीन बुक चला रहे हैं, पॉलिटी की, साइंस की और ज्योग्राफी की,
और ये नाइन्थ का हमने स्टार्ट किया, पॉइंट टू बी नोटेड, नवी का नाइन्थ से हमने स्टार्ट किया तीन बुक्स। सबसे पहले साइंस, इसमें साइंस का पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो ऊपर में आप केमिस्ट्री का टॉपिक पदार्थ की प्रकृति है उसी को यहां पर अपने ढंग से एनसीईआरटी के टाइप से समझाया गया है। दूसरा टॉपिक भूगोल में भारत आकार और अवस्थिति, यानी ये भी जो लूसेंट का टॉपिक है भारत की सामान्य जानकारी वही है लेकिन एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में पढ़िए कि एनसीईआरटी में इसे कैसे समझाया गया। भारत की सामान्य जानकारी आकार और स्थिति इसी को बताया गया और फिगर के साथ बहुत अच्छे से बताया गया है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी का है, इसमें लोकतांत्रिक राजनीति आपको करना है नाइन्थ के क्लास का। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, डेमोक्रेसी क्यों, तो नेपाल है, भूटान है, या जिम्बाब्वे है, या पाकिस्तान है, यहाँ पर किस तरह की लोकतांत्रिक स्थिति है, इसी को आपको पढ़ना। तो ये तीन टॉपिक्स हो गए। उसके बाद एक करंट के टॉपिक है, करंट में स्पीडी हम चला रहे हैं। पहला टॉपिक सदैव होता है कौन क्या कहा, यानी देश भर की जितने भी अधिकारी हैं अलग अलग पोस्ट पे, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सब कौन लोग हैं और इनकी संख्या कितनी है, है ना, यही कौन क्या कहा पहला पेज पढ़ना है। करंट अफेयर्स में ये आता ही आता है, तो ये आप कर लीजिए स्पीडी से। उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझ लीजिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में हमने तीन तीन चैप्टर्स उठाया, तीन तीन चैप्टर्स। मैथमेटिक्स में पहला जो आर एस अग्रवाल की है, पहला संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए इसमें हमने जो आपको होमवर्क सीरीज दिया है उसमें हमने ध्यान रखा है कि अधिकतर सॉल्वड है, सॉल्यूशंस है, इसमें साधित प्रश्न है यानी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं, प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी है, इन सब का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन केवल प्रैक्टिस कर लीजिए ना, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो सॉल्यूशन दिया हुआ है बना लीजिए, एक्सरसाइजेस कर लीजिए, ये भी आप बनाए लगेंगे। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें साधित उदाहरण है 4, 8, 10 और 14, ये हमने दिया पेज नंबर 6 और 7। उसके बाद हमने प्रतिशतता लिया, परसेंटेज लिया। अब इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला जानना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न परसेंटेज के फॉर्मूला पे बन जाते हैं। अगर ए बी से आर प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, अब आर बाय 100 प्लस आर इंटू 100 फॉर्मूला पर बन जाएगा। उसका तीसरा टॉपिक हमने लाभ हानि लिया है यानी प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके सबसे पहले फॉर्मूले देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न फॉर्मूला पे आ जाएंगे। तो सूत्र को सबसे पहले याद कर लीजिए, पेज नंबर हमने दे दिया है, पहले पेज पर लाभ हानि के कुछ फॉर्मूला है उसे आपको याद करना होगा, उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, है ना। तो तीन टॉपिक्स हो गया। उसके बाद रीजनिंग के तीन टॉपिक्स, इसमें रीजनिंग में हमने बहुत अच्छी बुक्स आपको दिया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, अरिहंत वाली, आर के झा वाली। यहाँ पर तीन टॉपिक्स हमने सीरीज टेस्ट लिया है, श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट, इसमें भी हमने आपको उदाहरण 1, 2, 3, 4 सीरीज में कुछ अंक दिया रहेगा, डिजिट दिया रहेगा, कुछ अक्षर दिए रहेंगे, अगला क्या होगा या बीच में क्या होगा, ये एग्जाम्स में आता ही आता है। तो श्रृंखला पद्धति वाले कर लीजिए। 4 यहाँ पर हम आपको 1, 2 और 3 जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसका हमने 1, 2, 3, 4 दे दिया है, इसे बना लीजिए पेज नंबर 50 पे। और उसके बाद हमने रक्त संबंध ब्लड रिलेशन उठाया है, तीन टॉपिक यहां से भी देंगे। और तीसरा टॉपिक हमने लुप्त पदों को भरना, ये जो मिसिंग नंबर होता है किसी ट्रायंगल में, किसी सर्किल में, किसी रेक्टेंगल में, एक बीच में मिसिंग नंबर रहेगा, लुप्त पद, इसी को आपको पता करना है। तो ये हमने लुप्त संख्या, एक तीसरा टॉपिक आपको दिया है कि लुप्त संख्या पता करना है। पहले एग्जांपल बना लीजिएगा, हम आपको नंबर्स के साथ दिए जा रहे हैं, पेज नंबर के साथ दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज आपसे बनवाएंगे, सब सॉल्यूशन के साथ है, सॉल्व है। तो ये आज आपका हो गया पहला टॉपिक। इसी तरह से डेली रात में 9 बजे के आसपास आपका यूट्यूब पर और टेलीग्राम पे ये टॉपिक्स आ जाएगा, मंडे टू फ्राइडे आएगा, इसे बनाइए। 10 दिन में ही आपको लगने लगेगा कि आपकी दिशा सही है, आप सही ट्रैक पे हैं, 2 महीने में आप कुल आंचे भरने लगेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।